हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। सो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग के चैप्टर है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग के तीन चैप्टर से तो उनसे थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ये चैप्टर भी दो पार्ट में आएगा, तो अभी हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, सीधा चालू करते हैं। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ये वर्ड आपने हमेशा सुने होंगे, हमें अक्सर सुनने मिलता है यार इस चीज में ग्रोथ हो गई, यहाँ डेवलपमेंट हो गया, बहुत कॉमन वर्ड है। तो इस चैप्टर में पूरा हम देखेंगे भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, यहाँ पूरा इसमें देखेंगे। और अगर सिंपल सी बात है यार कि आप अपने आजू बाजू देखते हैं तो हर चीज में कहीं ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रही है, हमें देखने को मिल जाता है। और ऐसी चीजें जो हमें दिख भी नहीं रही है उनमें भी या तो ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, आइडियाज किसी के हमको नहीं दिखते, अरे वायरस बैक्टीरिया जब तक माइक्रोस्कोप ना लगा हुआ तो नहीं दिखते हैं, लेकिन उनमें भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये एक सिंपल चीजें आती हैं। तो भाई वो प्लांट्स हो, सिटीज हो, आइडियाज हो, नेशंस हो, रिलेशनशिप्स हो, या हम खुद ही क्यों ना हो, हर चीज में ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, अभी हम पूरा इस चैप्टर में देखेंगे। अगर बेसिकली हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो हमारा मेन फोकस होगा ह्यूमन डेवलपमेंट पर, क्योंकि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसी चीज है जो नेशन और कम्युनिटी दोनों से बहुत रिलेटेबल है। हमें इससे बहुत सारी ये चीजें पता चलती है कि भाई नेशन कैसे डेवलप हो रहा है, कम्युनिटी कैसे डेवलप हो रही है। तो पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट का हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई अगर हम बात करते हैं दोनों की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो इनका सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो समय के साथ चेंजेस हो रहे हैं। जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं। तो जो समय के साथ चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, लेकिन इनके बीच में भाई डिफरेंस है। डिफरेंस बताऊं, इससे पहले आपको दो वर्ड के मीनिंग बताता हूं, आपने बहुत सुना होगा। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो भाई इनके बीच में अंतर क्या होता है, तो जब भी हम बात करते हैं भाई क्वांटिटेटिव, तो आपको पता चल रहा होगा क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मेनली आपको अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो डेटा की हम बात करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम फैक्ट्स लाते हैं और उनके बेसिस पर हम पूरे अपने कंक्लूजन निकालते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई क्वालिटेटिव की, तो यहां पर कोई डेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के बिलीफ की, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की, हमारे जो उनके बेसिस पर कंक्लूजन निकलते हैं उसकी हम बात करते हैं, क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है, डेटा का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, वो यही होता है। आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगा और आपको इस ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, सोशियोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए, मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी है। तो भाई अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है और वैल्यू न्यूट्रल है। मतलब भाई यहां पर हम पूरा डेटा रिसर्च करके ग्रोथ के बारे में पता लगाते हैं। और वैल्यू न्यूट्रल मतलब क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर के बेसिस पर नहीं चलता है कि उनके जो बिलीफ है, उनकी जो सोच है उसके उसमें चल रहा है। ये वैल्यू न्यूट्रल होता है भाई, ये डेटा के बेसिस में चलता है, एनालिसिस के बेसिस पे चलता है, किसी की पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं चलता है। इसीलिए जो ग्रोथ है ये पॉजिटिव साइन में भी हो सकती है और नेगेटिव साइन में भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। अब भाई अगर ये पॉजिटिव साइन में है तो मतलब ये हमको इंक्रीज दिखा रही है, और अगर ये नेगेटिव साइन में है तो हमको डिक्रीज दिखा रही है। कॉमन चीज होती है हमारी अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की। अब अगर इसके अपोजिट में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो भाई डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज होता है और ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। भाई सिंपल बात है, डेवलप करना मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ये नेगेटिव चीज नहीं होती, कोई नेगेटिव में डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसलिए डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव होता है। और फिर डेवलपमेंट जब ही हो सकता है भाई जब कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन पर कुछ एडिशन हो रहा है, अच्छा मतलब कोई चीज है उस पर कुछ हम ऐड कर रहे हैं, उसको और इंप्रूव कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ही डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और भाई डेवलपमेंट कब अकर होता है, जब पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस करती है। मतलब देखिए डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, ये आपको याद रखना है। लेकिन येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। भाई पॉजिटिव ग्रोथ होती है तो डेवलपमेंट होता है, चलो हम ये मान रहे हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, इसका सिंपल है कि भाई डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। जब क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज आता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव है, आपको मैंने बताया, जैसे इसको एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई एक कोई जगह है वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, 4 लाख हो गई, तो हम बोल सकते हैं भाई ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, ग्रोथ वर्ड यूज हो गया, एक वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ वहां की जितनी फैसिलिटीज हैं, हाउसिंग हो, वहां के बेसिक सर्विसेज हो, या कोई भी ऐसी चीजें जो जरूरतमंद चीजें होती हैं, उनमें हमको कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा, वो वैसे ही की वैसी हैं, तो क्या ये ग्रोथ डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी, कभी नहीं। इसे हम बोलते हैं भाई कि हर बार जरूरी नहीं है कि कोई
पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी, दोनों चीजों को थोड़ा साथ में आगे बढ़ना पड़ता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर इसके बाद यार अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में और क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो आपसे एनसीईआरटी पूछ रही कि आप एग्जांपल बताइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी क्या चीजें होती है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो सिंपल मैं बोल देता हूं यार, जैसे अपन बोलते हैं इंडिया के लोग अब लिटरेट हो रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सबको एजुकेशन प्रोवाइड हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी तब तक क्या पढ़े लिखे लोगों की कोई रियल वैल्यू बाहर आ पाएगी कभी? तो मतलब एक पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है भाई, हम बोल रहे हैं लिटरेट लोगों में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन क्या डेवलपमेंट होगा अगर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी? तो ऐसे आप और एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यार कि अगर हम बहुत डिकेड्स की बात करते हैं तो वहां पर पहले क्या होता था, जो भी डेवलपमेंट है एक कंट्री का उसको कैसे मेजर किया जाता था, इकोनॉमिक ग्रोथ से। मतलब अगर एक कोई कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो भाई वो डेवलप्ड है, और जिसकी नहीं है वो नहीं है डेवलप्ड, ये सिंपल बातें चलती थी। लेकिन भाई क्या ग्रोथ सिर्फ इन्हीं चीजों से होती है? और ग्रोथ का ये मीनिंग नहीं होता भाई कि लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। तो मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वहां के लोगों में भी कोई डेवलपमेंट हो रहा हो, वहां के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको फैसिलिटीज मिल रही हो, तो भी उस कंट्री को डेवलप्ड बोल दिया जाता था। तो ये चीजें हम देखेंगे भाई। सिंपल बात है, एक कंट्री को डेवलपमेंट ग्रोथ हम जब भी बोलेंगे जब वहां के लोग इंजॉय करें, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनको डेवलपमेंट के लिए पूरी चीजें मिले, उन लोग डेवलप करें, और ये चीजें होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी एनसीईआरटी में यहां आ गया तो लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं है, इन चीजों पर बहुत पहले से बात करी जा रही है। अगर मतलब हम पहली बार बात करें यार कि ये बात कब आई कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का मेन क्राइटेरिया लोग होने चाहिए वहां के, तो ये लेट 80s और अर्ली 90s में ये बातें होने लगी थी कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हर चीज नहीं होता है, हमें लोगों की ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट लोगों की ग्रोथ तो सबसे अच्छा एक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की ग्रोथ का। तो भाई यहां पर हम दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, महबूब उल आहक और अमृत सिंह की हम यहां पर बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहां पर। तो वह हम देख लेते हैं भाई पूरा। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की, इसमें आपने 9th-10th में भी इसको पढ़ा होगा, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भाई, डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना था भाई कि डेवलपमेंट का अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका रियल मीनिंग होता है ऐसा डेवलपमेंट जो लोगों की चॉइसेस बढ़ा रहा है और उनकी जिंदगी अच्छी कर रहा है। मतलब जब लोगों को अच्छी चॉइस लेने का मौका मिल रहा है, अपने डिसीजन वो ले पा रहे हैं, अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और जब उनकी जिंदगी अच्छी हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये रियल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो इनका कहना था अगर किसी भी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसका सेंटर क्या होना चाहिए, लोग उसका सेंटर होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। और उनने ये भी बोला भाई ये जो चीजें हैं, चॉइसेस है हमारी, जो लोग के हमने चॉइसेस की बात करी, ये चॉइसेस कोई फिक्स नहीं है कि आज की डेट में लोगों की 100 चॉइसेस है वो फिक्स कर दी, जो जगह वो 100 चॉइसेस आ गए वो जगह डेवलप्ड हो गई, नहीं, ये चॉइसेस भी समय के साथ चेंज होती हैं भाई। आज आपकी चॉइस कुछ और होगी, आज से 10 दिन बाद आपकी कुछ और होगी, तो समय के साथ चॉइसेस भी चेंज होंगी। लेकिन अगर एक कंट्री उन चॉइसेस को फुलफिल कर रही है और लोगों की चॉइस बढ़ रही है, उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। तो बेसिक गोल एक डेवलपमेंट का होना चाहिए, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जहां पर लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। मीनिंगफुल लाइफ का ये मीनिंग नहीं होता कि लंबी जिंदगी मिल गई, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है कि लाइफ विद अ पर्पस। मतलब हर किसी की जिंदगी में कोई पर्पस होना चाहिए, लोग वहां के हेल्दी होना चाहिए, वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर पाए, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाए और अपने गोल अचीव करने के लिए फ्री रहे, इसे हम रियल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम थोड़ा इस बारे में देख लेते हैं, डू यू नो करके एक बॉक्स आता है। तो अगर हम बात करते हैं भाई डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत सिंह की, तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और ये डॉक्टर हक की लीडरशिप में दोनों काम कर रहे थे। तो इनका पूरा काम चल रहा था यही ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी उस पर ये काम कर रहे थे। इनने बोला भाई कि डेवलपमेंट का एक अलग अल्टरनेटिव व्यू हम लेकर आएंगे, एक अल्टरनेटिव व्यू लेकर आए, मतलब डेवलपमेंट को देखने का एक दूसरा नजरिया ये हमारे सामने लेके आए। तो अगर हम बात करते भाई डॉक्टर महबूब उल हक, जिनको मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन बोला गया है, ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्हीं ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में क्रिएट किया था। इनका कहना था भाई डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, मतलब लोगों की चॉइस हमें बढ़ाना है और उनको जिसमें वो ज्यादा जी पाए, हेल्दी जी पाए और डिग्निटी के साथ जी पाए, उनकी चॉइसेस बढ़ाइए, उनको फ्रीडम दीजिए, उनको डेवलप कीजिए। इसके बाद इनने जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया, यूनाइटेड नेशंस को पसंद आया भाई, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश हो रही है 1990 से, 1990 के बाद एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 10th में जरूर पढ़ा होगा,
इसके बाद भाई यहाँ पर एक और चीज आती है कि एक स्पीच की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर हक्स की एक स्पीच है जो महबूब हक ने अपनी स्पीच दी है, तो बहुत उन्हें एक मस्त लाइन बोली है, आप भी इसको अच्छे से समझिएगा। उन्होंने बोला है, यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क व्हाई, मतलब आप ऐसी चीजें देखते हैं जो पहले से है और आप बोलते हैं क्यों है ये, किस लिए हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं I dream of things that never were and ask why not. मैं उन चीजों का ड्रीम करता हूं जो अभी नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर मैं बोलता हूं क्यों नहीं हो सकती। मतलब एक बहुत डीप कोट इनका यार, कि ये ऐसी चीजें देखते हैं जो अभी रियलिटी नहीं है, उनको रियलिटी बनाने का पूरा ट्राई करते हैं, तो ये इनका बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई जिन्हें नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक साइंसेस में, प्रोफेसर अमृत सिंह का, तो इनका कहना था भाई इंक्रीज इन फ्रीडम, मतलब फ्रीडम जब इंक्रीज होती है, या फिर डिक्रीज इन अनफ्रीडम, मतलब कई ऐसी जगह भाई जहां लोग फ्री नहीं है, लेकिन इस चीज में धीरे धीरे डिक्रीज आ रहा है, मतलब धीरे धीरे लोग फ्री होते जा रहे हैं, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेवलपमेंट का। इनका कहना था भाई कि अगर फ्रीडम बढ़ रही है तो सबसे अच्छा वे हमें ये जानने का भाई वहां का डेवलपमेंट कैसा, कैसे कैसे वहां डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये बात करी थी। और इनका अगर हम मेन वर्क देखते हैं तो यही चीजें देखते थे कि जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये कैसे काम कर सकते हैं फ्रीडम को और इंक्रीज करने के लिए, मतलब इनका देखना था इनके कैसे काम चलते हैं पूरे इंस्टीट्यूशन पर, इनने ये रिसर्च करी थी। तो भाई अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के वर्क की, तो इनने एक हमें नया नजरिया दिया है, इनने हमें बताया है कि डेवलपमेंट कैसे हम लोगों की नजर के देख सकते हैं, लोगों को सेंटर में रख के देख सकते हैं, तो बहुत ही शानदार इन दोनों इकोनॉमिक्स का वर्क आता है। अब इसके बाद यार हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स आता है, इसको मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, उसमें इतना कुछ नहीं है। यहाँ पर बोला गया व्हाट इज अ मीनिंगफुल लाइफ, तो भाई आखिर ये मीनिंगफुल लाइफ मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइफ जिसमें आपका कुछ पर्पस हो, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि हैप्पी बर्थडे शहनाज, तो बोलती है थैंक्स प्रिया, फिर बोलती है विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कम्प्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज, आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग, डू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ, तो बोलती आ सो यू वॉन्ट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ देन, मतलब इनने बोला कि भाई इनका ड्रीम है कि स्कूल कॉलेज करें, उसके बाद अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, तो दूसरी बोलती है मतलब तुम एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो, मतलब सिंपल होता है लाइफ में एक अच्छा पर्पस है, मतलब हमारी लाइफ मीनिंगफुल है। फिर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ यार, कि गवर्नमेंट का जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम आया है, इससे आप मुझे बताइए कि कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ मिलेगी गर्ल्स को। जैसा कि आप सबको पता है यार कि आजकल बहुत ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिक्लाइन आया है, तो उसकी वजह से ये आया है पूरा, तो आप मुझे बताना कि इशू में भी कैसे हेल्प मिलेगी और ओवरऑल क्या हेल्प मिलती है। उसके बाद नीचे देखिए विच ऑफ दीज लाइफ्स इज अ मीनिंगफुल लाइफ, यहां दो जनों की लाइफ की बात करी गई है। एक जन है लेफ्ट में जो इनसे बोला गया वेयर डू यू सी यूर सेल्फ वन ईयर फ्रॉम नाउ, वहां से एक साल बाद आपको कहां देखते हैं, तो ये बोलता है डेड और इन प्रेजेंट, मतलब ये इनकी लाइफ है। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो बोल रहे हैं आई होप टू फाइंड अ चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर, इनका यह कि भाई मैं कैंसर के लिए एक अच्छा चीप ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट देख सकूं, तो ये होती है मीनिंगफुल लाइफ। तो हमें चूज करना है भाई, हमें डेड और प्रेजेंट वाली लाइफ चूज करना है कि हमें एक ऐसी अच्छी लाइफ चूज करना है, तो ये पूरा इस बॉक्स में आता है। फिर इसके बाद अगर हम फिर से बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो अगर भाई कोई लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी पा रहा है, वो नॉलेज गेन कर पा रहा है, उसके बाद इनफ मीन्स है कि वो डिसेंट लाइफ जी पाए, तो ये कुछ एस्पेक्ट आते हैं इंपॉर्टेंट जिससे हम उसका डेवलपमेंट देख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आते हैं, तो भाई मतलब हमें रिसोर्सेज की एक्सेस होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन होना चाहिए, और ये पूरा अगर हमारे पास है तो ये की एरियाज हो जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। और इसके लिए बहुत सूटेबल इंडिकेटर्स भी बनाए जाए हैं, जहां पर देख सकते हैं यार कि कैसे इनको मेजर करते हैं, कि कौन सी कंट्री में कैसी कैसी चीजें अवेलेबल हैं, और पूरे इसके इंडिकेटर बहुत सारे बने हुए हैं। लेकिन आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप क्या मुझे कुछ ऐसे इंडिकेटर बताने चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी यही पूछ रहा है। इसके बाद यार हमें ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है, हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, अच्छी जिंदगी हेल्दी जिंदगी होना चाहिए, पूरा नॉलेज गेन करने की पावर होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, क्या पर लोगों को असलियत में सब मिलता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम देखते हैं भाई लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब क्षमता नहीं होती है उनके पास, उनके पास फ्रीडम नहीं होती अपनी बेसिक चॉइसेस बनाने के लिए भी, ये हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। इसका रीजन यही होता है क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि पॉवर्टी रहती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहता है, इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा नहीं होते हैं, और बहुत सारे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, इस वजह से फिर बेचारों को भुगतना पड़ता है फ्यूचर में जाके। तो जब ऐसी चीजें होती हैं भाई, तो एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो भाई एक डिसेंट लाइफ नहीं जी पाते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो भाई अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें लोगों की कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, हेल्थ में एजुकेशन में उनको रिसोर्सेज का एक्सेस देना पड़ेगा, और उनकी चॉइसेस तभी जाके बढ़ पाएंगी। अगर ये चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो भाई वो अपनी चॉइसेस बढ़ा पाएंगे। अगर लोगों में कैपेबिलिटी
अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनकी चॉइसेस अपने आप लिमिटेड हो जाती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में आता है कि एक बच्चा कभी ये नहीं बोल सकता उसको चॉइस ही नहीं मिलेगी कि उसको डॉक्टर बनना है अगर उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। भाई जब तक आपको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप बड़े सपने कैसे देखोगे, चॉइसेस कैसे आएंगे आपके पास। मतलब एक बच्चा है जो आज तक स्कूल नहीं गया, अब वो बोले कि मुझे टीचर बनना है, क्या वो कभी टीचर बन पाएगा जिसने कभी बुक ही नहीं देखी है? आपने उसकी चॉइस ही मिटा दी। इसलिए याद रखिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर आपको भी कभी ऐसा दिखता है आसपास कि कोई लोग हैं जिनको चॉइसेस नहीं मिल पा रही हैं और हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक और एग्जांपल आता है, जो पुअर लोग होते हैं वो कभी मेडिकल ट्रीटमेंट चूज नहीं करते। अच्छा क्यों नहीं करते भाई, वही नहीं है उनके पास, पैसा ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई गरीब जाने तो सीधा गवर्नमेंट जाते हैं, जबकि आपको पता है कई बार गवर्नमेंट में अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। रीजन पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। तो कुल मिला के ये चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। फिर भाई इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई अगर कोई बिल्डिंग को मजबूती से खड़ा करना है तो वो पिलर तो बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही भाई अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को खड़ा करना है तो इसके भी पिलर जरूरी है। इसके पिलर है चार कॉन्सेप्ट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इनको हम बारी बारी करके सारे देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है भाई कोई भी जन हो उसके पास अपॉर्चुनिटीज का इक्वल एक्सेस होना चाहिए। मतलब सबके पास अपॉर्चुनिटी का एकदम इक्वल एक्सेस होना चाहिए। अगर ये है भाई तो हम बोलते हैं भाई इक्विटी है। मतलब कुल मिला के भाई उनका कोई भी जेंडर हो, कोई भी रेस हो, कोई भी इनकम हो, और अगर इंडिया की बात करें तो कोई भी कास्ट हो, पूरा सब चीज का सही एक्सेस होना चाहिए, उनको सारों को अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ नहीं होता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो आपको ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएंगे, और हर जगह ही होता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाकी कंट्री में देखेंगे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। हर सोसाइटी का एक पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कौन से बच्चे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करते हैं, तो भाई इसका सिंपल है, वो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है फीस भरने का, नॉलेज नहीं है, गरीब है, ऐसे ही लोग करते हैं। या फिर अगर कोई ऐसे जन है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इसका सिंपल अगर एग्जांपल इंडिया का लें तो इंडिया में विमेन और बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो स्कूल से ड्रॉप ले लेते हैं। रीजन यही है जो मैंने आपको बताया। तो सीधे सीधे बताता है कि कैसे इनका नॉलेज से एक्सेस चला गया, मतलब कैसे कैसे इनकी अपॉर्चुनिटी चली गई है। ये आज नहीं पढ़ेंगे तो कल इनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को इनके लिए मिल जाती है। फिर अगला कॉन्सेप्ट, अगला प्लेयर हमारा था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है भाई, समय के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो कम नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, भाई जितनी अपॉर्चुनिटीज वो बढ़े तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए समय के साथ। समय के साथ उन्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हमें ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे हमारी आगे की जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज ना जाए। मतलब इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज जितनी भी हैं इन्हें हमें फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में रखकर इनका यूज करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी रिसोर्स का मिसयूज करेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज उनसे छीन लेंगे। और इस दुनिया में जितना हमारा हक है इतना ही हमारा पास्ट वालों का भी था और इतना ही हमारा फ्यूचर वालों का होगा। तो ये बिल्कुल याद रखिए। इसका सिंपल एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अब देखिए क्यों ये आता है भाई, अगर एक कोई कम्युनिटी है जो नहीं चाहती कि वो लड़कियों को पढ़ाए, स्कूल भेजे, उन लोग इतना इंपॉर्टेंस इस चीज पर नहीं देते हैं, तो भाई जब ये लड़की बड़ी होंगी इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, इनकी पूरी अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी क्योंकि इन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, इनके पास करियर चॉइसेस नहीं बचेंगी और इनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। अब इन्हें अपनी एक पूरी जिंदगी बिना अपॉर्चुनिटीज के जीनी पड़ेगी। तो मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो जो पास्ट वाली जनरेशन थी उनने अपनी फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाया नहीं। अगर हम बोल देते हैं कि अगर आज कोई अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा रहा है तो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिए। तो सो ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू इट्स फ्यूचर जनरेशन। हमें देखना चाहिए यार हम किसी भी तरीके से फ्यूचर जनरेशन की चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज बर्बाद ना करें। फिर इसके बाद हमारे सामने आता है प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्टिविटी से यहाँ पर मीनिंग है ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन वर्क की प्रोडक्टिविटी, कि ह्यूमन वर्क का कैसा भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो इसका पूरा इसमें देख रहे हैं। तो भाई अगर प्रोडक्टिविटी से हमारा सिंपल मीनिंग है कि समय के साथ साथ लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाए, अगर ये हो रहा है तो भाई हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी हो रही है। मतलब लोगों की एकदम कैपेबिलिटी समय के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम अंत में देखते हैं तो ये इंसान ही है, हम ह्यूमन ही है, पीपल ही है कंट्री के जो रियल वेल्थ
फेंकने शंकी है ना, तो ये सिंपल हमारा आता है। इसके बाद भाई, इसके बाद एफर्ट्स होने चाहिए लोगों के नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनकी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे वो और अच्छे से काम कर पाए। ये भी एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा भाई, अगर लोगों को हम नॉलेज दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, तो ये पूरा प्रोडक्टिविटी का आता है। इसके बाद एम्पावरमेंट, लास्ट पिलर, लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं भाई। इसका मतलब होता है लोगों को पावर देना कि वो अपनी चॉइसेस बना पाए। और चॉइसेस कैसे कोई बना सकता है, जब उसको फ्रीडम मिलती है या उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम एक इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, उसकी फ्रीडम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके पास पावर आएगी अपनी चॉइसेस लेने की। फिर गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, साथ साथ पीपल ओरिएंटेड, लोगों के लिए पॉलिसीज बनना चाहिए अच्छी अच्छी। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, जितने भी लोग पावर में वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो लोग अपने आप एम्पावर होंगे। और जो भी भाई सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं भाई, तो एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक आता है, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में अप्रोचेस का मीनिंग बताया था कि जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आप पूरा पढ़ेंगे कि भाई किसी भी चीज को स्टडी करने का, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का या डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से उस चीज पर पूरा अपना रिसर्च करता है, डेटा कलेक्ट करता है और सोल्यूशन देखता है। तो टोटल आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड चार अप्रोचेस देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक है हमारी इनकम अप्रोच, फिर है वेलफेयर अप्रोच, फिर है मिनिमम नीड्स अप्रोच, और चौथी है कैपेबिलिटीज अप्रोच। बहुत ही मजा आने वाला है, तो इसको और देख लेते हैं। तो हमारी जो पहली अप्रोच आती है वो है इनकम अप्रोच, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। और चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था पूरा कि भाई पहले क्या होता था, जो कंट्री जितनी भी इकोनॉमिक उसमें आगे है उसको उतना अच्छा बोला जाता था। मतलब अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो उसको एकदम डेवलप्ड बोला जाता था। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक अप्रोच हमारे सामने आती है, इनकम अप्रोच, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक कर दिया गया है इनकम से। मतलब इस अप्रोच का एक आइडिया है कि भाई जितना लेवल होगा इनकम का, वो उतना ज्यादा फ्रीडम दिखाएगा किसी व्यक्ति की, उतनी ज्यादा उसकी इंडिविजुअल एंजॉयज दिखाएगा। मतलब एक जन की जितनी इनकम का लेवल है, उस हिसाब से वो उसकी फ्रीडम हमें दिख रही है, वो लाइफ को कितना एंजॉय कर रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही है, ये पूरा इनकम दिखाता है। तो इस अप्रोच का सिंपल कहना है भाई, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये सिंपल हमें इनकम साइड की चीजें बताता है। इसके बाद फिर दूसरी अप्रोच आती है वेलफेयर अप्रोच। भाई आपने वेलफेयर पॉलिटिकल साइंस में बहुत सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस का एक फेवरेट वर्ड है, वेलफेयर बहुत बार सुनने को मिलता है। भाई इस अप्रोच का ये कहना है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो रही है तो उसका फायदा किसको होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को उसका फायदा होना चाहिए। यह अप्रोच आर्ग्यू करती है यार कि गवर्नमेंट को अच्छा ये एक्सपेंडिचर करना चाहिए। किस पर करना चाहिए एक्सपेंडिचर? एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज, मतलब लोगों की सोशल सुरक्षा पर और उनके सुख साधन पर। तो सामाजिक सुरक्षा, सुख साधन, इन सब चीजों पर मेन फोकस करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ पर करना चाहिए। अगर इन पर कर रहे हैं तो भाई सही डेवलपमेंट की राह पर एक गवर्नमेंट चल रही है। इस अप्रोच के अनुसार जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं होते डेवलपमेंट में, मतलब उनका रोल नहीं होता है, उन लोगों को सिर्फ इसका फायदा मिलता है डेवलपमेंट का। पूरा डेवलपमेंट का मेन रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, एक्सपेंडिचर इन चीजों में करना चाहिए और ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का सीधा मीनिंग है कि आपको अपना मेन एक्सपेंडिचर लोगों के वेलफेयर में करना, अपना मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आपका उसी राह में जाएगा। इसके बाद फिर हमारी तीसरी आती है भाई बेसिक नीड्स अप्रोच। मुझे ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात लगती है भाई, जैसा नाम वैसा काम, बेसिक नीड्स मतलब बेसिक नीड्स। तो अगर इस अप्रोच की हम बात करते तो इसको इनिशियली प्रपोज किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, आपने अपना पॉलिटिकल साइंस में ILO के बारे में पढ़ा है। इनने 6 बेसिक नीड्स की बात करी है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। इनने ये 6 चीजें बेसिक बोली हैं। इनका कहना है कि भाई अगर ये सब चीजें हो रही हैं, अच्छे से इन पर काम हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर ह्यूमन चॉइसेस के चीजें को पूरा इग्नोर कर दिया गया है इस अप्रोच में, ज्यादा ह्यूमन चॉइसेस की बात नहीं करी गई है और पूरा फोकस बेसिक चीजों पर किया गया है कि भाई लोगों की बेसिक नीड्स क्या होती है। तो ये हमारी आती है बेसिक नीड्स अप्रोच। इसके बाद हमारी लास्ट अप्रोच आती है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच एसोसिएटेड है हमारी प्रोफेसर अमृत सेन से। अमृत सेन जी से पूरा एसोसिएट किया गया है। यहाँ पर मेनली बोला गया है कि हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना है। जैसे हम ह्यूमन की क्षमता को बिल्ड करेंगे, जैसे कि हेल्थ के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, अगर उनको हम रिसोर्सेज का प्रोवाइड करवाएंगे तो अपने आप उनका एक डेवलपमेंट होने लगेगा। तो मतलब उनको अगर अच्छा एक्सेस है रिसोर्सेज का, हेल्थ एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा। तो टोटली 4 अप्रोचेस हमारे सामने आती हैं। तो यार इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी का सीधा सेकेंड पार्ट में जा सकते हैं।
बाकी तब तक के लिए बाय बाय, मैं तो मिलता रहूंगा न्यू वीडियोस में। साइनिंग ऑफ क्रू टेंगुरिया।